हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजाजुल ब्लॉग। आप लोग देख सकते हो फिर से एक नया वीडियो से। मैं ऑनलाइन में नहीं था, मतलब यूट्यूब में नहीं था, तो बहुत दिन बाद में आया है। तो आज कुछ बताने वाला है, आप लोग देखते रहिए वीडियो में, आगे बने रहिए। हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब। बहुत दिन से आप यूट्यूब में नहीं हो, मैं लगभग 4 महीने से मैं यूट्यूब में नहीं हुआ। अभी फिर से यूट्यूब में वीडियो छोड़ने वाला हूँ। और ये ब्लॉग कुछ मेरा, मैं यूट्यूब में वीडियो नहीं छोड़ रहा है उसका रीज़न बताने वाला है। तो मैं एक मोटो ब्लॉगर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बाइक का बहुत शौक है तो इसलिए मैं मोटो ब्लॉगर बनना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास बाइक नहीं है और इसलिए मैं यूट्यूब में नहीं कर रहा था। मैं और रील्स कुछ अपलोड किया था जो बाइक का, वो कुछ डाउनलोड करके। तो इसलिए मैं अभी सोच रहा है ब्लॉग डालूँ, हर किस्म का डालूँ, मतलब हर टाइप। कुछ काम कर रहा है, कुछ वो कर रहा है, जो मतलब कर रहा है मैं वही वीडियो डालूँ आपसे। क्योंकि मैं मोटो ब्लॉगर तो अभी बनना नहीं चाहूँगा मैं। मेरा पास बाइक कुछ भी नहीं है। तो मतलब मैंने जब जो मिलेगा वही मैं कंटेंट डालूँगा, जो कंटेंट मुझे मिलेगा वही डालूँगा फिर अभी। सो गाइस, अभी मैं एक कौन सा लोकेशन बना आप लोग को बता रहा है, एक फार्म है जो मुर्गी का फार्म है, इधर मैं ब्लॉग बना रहा। क्योंकि घर में आदमी आते रहते हैं, बातचीत करने के लिए हमको तकलीफ होता है। इसमें मतलब अभी मुर्गी नहीं है, खाली असाफा है, धुला के रख दिया था। तो मैं इधर में बैठा अभी मतलब ब्लॉग कर रहा है। तो गाइस, आपसे हम जो कंटेंट मिलेगा वो ही बनाना। मतलब हम काम कर रहे हैं, मुर्गी को खाना दे रहा है, मतलब मछली को खाना दे रहा है, मछली पकड़ रहा है, सब कंटेंट अभी से शुरू करेगा। जब मोटो ब्लॉग मिलेगा, मोटो ब्लॉग भी डालूँगा। तो जब जो कंटेंट मिलेगा वही डालेगा अभी, मतलब सोच लिया, जिसको जितना औकात है वही वीडियो बनाना है। मैं हम लोग का गाँव का लोकेशन दिखाता है कैसा है। हम अभी खेत पे लगा ब्लॉग था पहाड़ में, अभी आ गया खेती में, मतलब असम में। पहले अरुणाचल में था तो उसका 2 ब्लॉग था, तो फिर से शुरू हो रहा है असम से। सो गाइस, मेरा कैमरा सेटअप इसमें लगाया था, देख सकते हो, इसमें ऐसा करके घुसा दिया था, काली लग गया। तो मेरा फार्म देख सकते हो, हम लोग का फार्म कुछ रिपेयरिंग कर रहा था, तो इसलिए इतना गंदा वंदा गिरा हुआ है, देख सकते हो। ये मसला भर गया था, टाइट हो गया। सो गाइस, ये अभी कुछ इस तरह के बन गया है। आगे बताऊंगा, ये मुर्गी फार्म से अभी दूसरा फार्म कुछ होने वाला है, तो अगला ब्लॉग में बताऊंगा ये कौन सा क्या है अगला। तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू।